हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश बब्बर एक बार फिर से आपके बीच में। आप सभी का स्वागत है बब्बर ब्लॉग में। आज हम शहर में घूमेंगे और आपको दिखाएंगे कि शहर सुबह 4 बजे कैसा दिखाई देता है। हाँ तो चलते हैं दोस्तों, चलो चल। बादल नगर चौक से है मेरे लेफ्ट साइड कंपनी बाग का गेट। दर्शकों, इस समय मैं पुरानी चुंगी पर हूँ और जो मेरे सामने रोड जा रहा है ये घंटाघर जा रहा है सीधा। जो मेरे बैक साइड रोड जा रहा है ये शाकुंभर बेहट होते हुए जा रहा है और मेरे राइट साइड यानी ये रोड जो जा रहा है कुमरान पुल होते हुए सीधा चिल्काना निकल जाता है आगे। तो आज हमारा सफर घंटाघर को होते हुए बोट रोड हम जाएंगे, रुकेंगे भी और लोगों से अगर बातचीत करनी पड़ी तो बातचीत भी करेंगे। दूसरी बात, जैसा कि हम सोच रहे थे घर से निकलने से पहले कि हमें रास्ते में कोहरा दिखाई देगा, यहाँ एक कुछ भी कोहरा नहीं है बिल्कुल भी, और ठंड भी मुझे बहुत कम नजर आ रही। हो सकता है मुझे कम लग रही है और लोगों को ज्यादा लगती हो, लेकिन मुझे कम लग रही है। तो चलिए अब हम घंटाघर की ओर चलते हैं। तो ठंड कैसी पड़ रही है? ठंड बहुत चौकी पड़ रही है, कोहरा बहुत जबरदस्त कोहरा। इस समय मैं नवाबगंज चौक पे हूँ। मेरे सामने यानी मेरे कैमरामैन के पीछे कंपनी बाग का गेट है और मेरे पीछे घंटाघर। हम घंटाघर ही चलेंगे और इस समय सुबह के 4:35 हुए हैं और टेम्परेचर का तो मुझे पता नहीं है, लगभग 4:35 का टाइम हुआ है इस समय। और मेरे राइट साइड जो है ये जेल चुंगी जा रहा है रोड। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सीधा जेल चुंगी जा रहा है। अब हम चलेंगे घंटाघर और चौक से आगे चले। ये विजय टॉकीज टाइगर मूवी लगी हुई है इसमें और मैं पुल जोगान पर हूँ। पुलिस भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए हम घंटाघर की तरफ चलते हैं। अब हम पुल जोगान से आगे चले हैं। तो अब मैं पहुंचा हूं शहर के बीच में घंटाघर चौक पे। घंटाघर चौक पे मैं हूं इस समय और मेरे लेफ्ट साइड जो है आप देख रहे हैं ये अंबाला रोड है जो कि अंबाला जा रहा है और मेरे राइट साइड जो देख रहे हैं आप ये रोड ये सीधा देहरादून जा रहा है। और मैं इस समय घंटाघर के बीच में हूं। ये पूरा घंटाघर है और कोट रोड जाएगा सीधे खम्फम रेलवे रोड से होते हुए, तब आपको कोट रोड लेके चलेंगे और सामने श्री हनुमान मंदिर। ये जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं ये सारी प्रेस की हैं। सुबह सुबह प्रेस वालों की ड्यूटी शुरू हो जाती है, मेहनत का काम होता है, जैसे दूध वाले का काम होता है और अखबार वाले का, ये अखबार वाले ही है। जैसे अखबार की नागा या दूध की नागा नहीं होती, ऐसे ही ये सुबह सुबह उठ जाते हैं और ये हमारी सेवा में अखबार देते हैं। ये भी बहुत बड़ा काम और सेवा ही होती है ये एक तरह से, क्यों भाई डेली आप करते हो ये काम? हाँ जी। अच्छा, बहुत सख्त ड्यूटी है। हाँ जी। हैं? हाँ जी। किस समय उठते हो? हम तो पूरी रात चलते हैं। पूरी रात? हाँ जी। और दिन में आराम? दिन में सोते हैं। दिन में सोते हैं। देखिए ये भी एक जीवन है कि दिन में सोते हैं और पूरी रात चलते हैं लोग। तो कहाँ से कहाँ तक की ड्यूटी होती है हमारी? मुजफ्फरनगर से सहारनपुर देहरादून से लगभग डेली डेली
तो कितने लंबा रूट हो जाता है लगभग? ये 400 किलोमीटर का है आना जाना। हाँ जी सारा। कहाँ से शुरू करते हो आप? अब ये देखो सेल्लाकुई से लाते हैं हम अखबार। अच्छा, सेल्लाकुई से रुड़की, रुड़की से सहारनपुर, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर। काफी लंबा रास्ता है। चलो एक दो से और बात करेंगे। एक और अखबार वाले हैं हमारे साथ, थोड़ा शीशा नीचे कर लो। और अखबार वाले हैं, हम गाड़ी में ही बात करेंगे। भाई आपका नाम? मोनू है भैया। मोनू। मोनू, मोनू का सर्दी कैसी पड़ रही है? सर्दी भाई साहब अभी कहाँ इतनी पड़ रही, अभी इतनी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, देखो मोनू ने खुद भी बता दिया कि सर्दी इतनी नहीं पड़ रही। अच्छा मोनू, आपका रूट क्या है? हमारा रूट है जी मेरठ, मेरठ से सहारनपुर, सहारनपुर से बिहारीगढ़। अच्छा, तो ये कितना लंबा रास्ता हो जाता है? ये 300 किलोमीटर हो जाए जी, पूरा आना जाना जी। और रहने वाले कहाँ के हैं आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, देखिए मुजफ्फरनगर से है मोनू। और एक भाई और भी है, ये दैनिक जागरण प्रेस से है। और भाई आपका नाम? सचिन नाम है। सचिन। सचिन, सचिन कहाँ से कहाँ तक चलाते हो आप? मेरठ से सहारनपुर। मेरठ से सहारनपुर। तो रोज कितना हो जाता है आना जाना? रोज बढ़ जाए जी, पूरा 300 बढ़ जाए। अच्छा, डेली का काम है? डेली का। किस समय शुरू करते हो? हम शाम को उठ जाए, 5 बजे। शाम को 5 बजे छह सात बजे। और दिन में? दिन में सोए जी। दिन में सोते हैं। देखिए अजीब ड्यूटी है, मैंने पहली बार सुना है। बात करके पता चलता है लोगों से दुनिया के बारे में कि दिन में सोते हैं और पूरी रात चलते हैं। चलिए अच्छा भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। रेलवे स्टेशन और सुबह सुबह का समय है, लोग भी सोए हुए हैं। देखो मैं इस समय सहारनपुर के रोडवेज बस अड्डे पर हूँ और आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ बसें खड़ी हैं और यहाँ पे सवारी भी है। ये शायद स्टूडेंट ही हैं मुझे ऐसा लग रहा है, आज एग्जाम है। ये हॉस्टल वार्डन, ये हमारा जो एक लव्य रेजिडेंशियल स्कूल के लिए है ना, उसके लिए एग्जाम करा रही है। अच्छा जी, कहाँ पे? ये देहरादून। देहरादून। हाँ, कई जगह सेंटर है, किसी का दिल्ली भी है, देहरादून भी है, सब जगह सेंटर बनाए गए हैं। अच्छा, किस समय एग्जाम आपका? ये 8 बजे एंट्री है। 8 बजे जी। ठीक, चलिए ऑल द बेस्ट, आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जरूर कामयाब हों। हरिद्वार ऋषिकेश की बस और यहाँ पे सवारियाँ भी खड़ी है। भाई कहाँ कहाँ से हैं आप लोग? रामपुर मनिहारन। रामपुर मनिहारन से आप बस, मतलब सवारी है या? आज हमारे एग्जाम है। एग्जाम है आप? अच्छा अच्छा, एग्जाम देने के लिए आए हैं। बेरोजगारी तो बहुत है खैर देश में। अच्छा, तो आप कुछ कहेंगे कि भाई सरकार से कुछ डिमांड? सरकार से तो सर ये डिमांड है कि बेरोजगार थोड़ा युवा है उनके लिए कुछ ध्यान दे। थोड़ा युवा है या ज्यादा? ज्यादा है सर। ज्यादा है, कहूँगा जी की ज्यादा है। और जो गवर्नमेंट सर्विस में वैकेंसी है वो बहुत कम है। अच्छा जी सर, और उसके लिए निकालनी चाहिए सरकार। ठीक, युवा हैं आप, ठीक है, तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? बस रोजगार की डिमांड है कि सर सबकी, ताकि रोजगार मिल सके सभी को, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम की। अच्छा जी सर, आप? एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है गवर्नमेंट से। एम्प्लॉयमेंट की? अच्छा, एजुकेशन क्या है आपकी? मैंने एमबीए किया हुआ है। एमबीए। अच्छा, किस स्ट्रीम में? मार्केटिंग और एचआर में किया। अच्छा, आर और मार्केटिंग। आपने? मैंने बीएड कर रखा है और टीचरिंग की वैकेंसी तो अभी तक नहीं आई उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टीचर को हो रही है। अच्छा, जो लगे हुए हैं भी पता चल रहा है कि 69,000 वैकेंसी में जो बच्चे बीएड पास करके टीचिंग कर रहे थे वे भी हटाए जा रहे हैं,
लेकिन हम ये चाह रहे थे सरकार से कि चाहे शिक्षा मित्रों की भर्ती करो, नई गवर्नमेंट करते तो टीचर की वैकेंसी जरूर लाए। दर्शकों, मैं इस समय स्टेशन पर हूँ, महाराजा अग्रसेन चौक। मैं अभी आपको स्टेशन पर भी लेके जाऊंगा। जैसा कि सर्दी है और सुबह के 5 बजे हैं लगभग, और सर्दी से बचने के लिए लोगों ने आग जलाई है, आग के चारों तरफ बैठे हैं। क्यों भाई, रोज इतनी ठंड पड़ती है? कोहरा ही पड़ता है? नहीं जी, कोहरा पड़ता है। कितना? थोड़ा ही पड़े। और स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सोते नहीं हैं, यह हर समय जागता रहता है। इस समय हम स्टेशन पर हैं और मेरे पीछे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर भी जगह जगह लोगों ने बैठे हैं लोग सर्दी से बचने के लिए। लोग यहाँ पे लोगों ने आग जलाई हुई है, उसके आग के चारों तरफ बैठे हैं। ठंड से बचने के लिए यहाँ भी लोगों ने आग जलाई हुई है। काम किस समय शुरू करते हैं हम? यानी कि 4 बजे घर से आते हैं जी। 4 बजे? और किस समय तक का होता है आपका काम? ये होता है 7:30 बजे तक।